टोकरी टोकरी में आम है, नहीं बताती दाम है आपको। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक नया दिन नया ब्लॉग तो चली गई, आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अभी सुबह का 7 बज रहा है और मैं उठ चुकी हूँ, ब्रश वगैरह भी कर चुकी हूँ। मैं जा रही हूँ सुबह का काम करूँगी। आज मौसम भी साफ कर दिया है, बारिश बारिश भी रुक गया है और धूप भी निकल आया है और आज का सुबह का धूप बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। रोटी बना लेती हूँ फिर उसके बाद धूप में बैठ कर नाश्ता करूँगी। और आज मेरे को स्कूल भी जाना है, कल तो छुट्टी रहेगा, संडे है। और गाइस आज से ठंड भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और बाहर में हवा भी चल रहा है, ठंड बढ़ाने के लिए ही तो बारिश आ रहा था। और गाइस आज मेरा हिंदी का भी टेस्ट है, तो जल्दी से मैं रोटी बना लेती हूँ फिर स्कूल के लिए रेडी होंगी। और इधर देखिए गाइस, मेरी अम्मी बर्तन धो रही थी क्योंकि बाहर में अच्छा सा धूप किया है, ज़्यादातर मेरी अम्मी बर्तन बाहर में ही धोती है। अब मैं जा रही हूँ नाश्ता करने के लिए और मैं आज मेरे नाश्ते में है रोटी और आलू मूली का सब्जी, मेरी अम्मी बनाई थी, तो चलिए धूप में बैठ के खाती हूँ। मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ स्कूल के लिए रेडी होंगी, 9 बजने वाला है, जा रही हूँ फटाफट रेडी होंगी फिर स्कूल के लिए निकलूंगी। तो चलिए गाइस स्कूल के लिए जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ, मेरे अब्बू के साथ जाऊंगी मैं स्कूल क्योंकि आज मामा लोग दुकान नहीं जा रहे हैं। कल मैं नहा के अपने बालों में तेल नहीं लगाई थी, तो मैं अपने बालों में अच्छे से तेल लगा लेती हूँ। मेरी अम्मी से ही मैं बालों में तेल लगवाती हूँ अपने, लेकिन अभी मेरी अम्मी कुछ काम कर रही है तो मैं अपने से ही लगा ले रही हूँ। गाइस अभी बीच में मेरा बाल झड़ रहा था, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा ऑयल चेंज की हूँ तो अभी मेरा बाल नहीं झड़ता है। रेडी हो चुकी हूँ, अब मैं जा रही हूँ स्कूल, स्कूल से आने के बाद आप सभी से मिलती हूँ। गाइस मैं टिफिन डालना तो भूल ही गई थी, अब चलिए जल्दी से टिफिन डाल लेती हूँ। मेरे अब्बू का टिफिन पैक की, लेकिन मैं अपना टिफिन पैक करना भूल गई थी। अब्बू मेरे को बाहर आवाज दे रहे हैं, चलिए चलते हैं अब स्कूल जल्दी से। अब्बू मेरे को स्कूल छोड़ के फिर अपने दुकान जाएंगे, मेरे अब्बू को भी लेट हो रहा है दुकान जाने के लिए। और गाइस इधर हनी और हैदर आए हैं बंटी भैया से पतंग का कन्नी बनवाने के लिए। गाइस मेरे को भी पतंग उड़ाने का मन करता है, एक आध दिन जाऊंगी नदी में पतंग उड़ाने के लिए। वैसे तो गाइस मेरे को पतंग उड़ाने नहीं आता है, लेकिन मैं भैया से सीखूंगी। चुकी हूँ और आज मेरा बस थोड़ा लेट से आया, तो मेरे को घर पहुँचने में थोड़ा लेट हो गया और मेरे को बहुत तेज भूख भी लग रहा था, तो मैं खाना भी खा ली हूँ। अब मैं जा रही हूँ शाम का तैयारी करने के लिए, खाना सब्जी बनाऊंगी। और ये देखिए गाइस मेरी अम्मी चावल चुनने के लिए रख दी है और इधर चावल के लिए पानी भी रख दी है, और नहीं पता मेरी अम्मी आज क्या सब्जी बनाएगी, तो चलिए अम्मी से पूछते हैं। सब मैं जा रही हूँ चावल चुनने के लिए बाहर में, और इधर देखिए मेरी अम्मी आज कपड़ा धोई थी, बिस्तर वगैरह तो वो धो के सूख गया होगा इसलिए लेके आ रही है। क्या सब्जी बनाएंगी अम्मी? चिकन लेके आ रही हूँ। अबू ठीक, तो मैं चावल चुन लेती हूँ। चावल को अच्छे से चुन ली, और चलिए हीटर में मेरी अम्मी पानी चढ़ाई थी चावल के लिए, वो भी गर्म हो गया होगा, तो चावल को डाल देती हूँ। गाइस मैं चावल को अच्छे से धो लेती हूँ और इधर पानी भी अच्छे से गर्म हो रहा है, पानी गर्म हो जाएगा फिर मैं चावल को डाल दूंगी। और इधर रोशनी लोग मेरे पास पढ़ाई करने के लिए आ रहे हैं, रोज शाम को पढ़ाई करने के लिए आते हैं मेरे पास। चलिए गाइस पानी गर्म हो गया है, अब मैं चावल को डाल देती हूँ, इधर चावल अच्छे से पकते रहेगा और एक साइड में बच्चे लोग को पढ़ा दूंगी। मेरे अब्बू भी आते होंगे चिकन लेके, आज हमारे घर में चिकन सब्जी बनेगा। बाबा ओ ओ ये
यही। उस दिन मैं पोयम याद करने के लिए दी थी, याद की हो? हाँ। चलो तो सुनाओ। गमला फूलो वाला लाओ, अपना घर आंगन मकान की तुम प्यास बुझाओ, मछली देखो आओ आओ सीख दो नाचो। की छोकरी भर कर लाई टोकरी, टोकरी में आम है नहीं बताती दाम आप चिकन लेके, और अब मैं जा रही हूँ चिकन को बनाऊंगी, और इधर मेरी अभी मसाला पीस रही है। चलिए गाइस अब चिकन बनाना स्टार्ट करते हैं। चावल तो मैं बना ली हूँ, पहले मैं चिकन को अच्छे से धो लेती हूँ, फिर उसके बाद मैं चिकन को भूंजूंगी। मेरी अम्मी तो मसाला पीस दी है, अब मेरे को बस चिकन को भूंजना है। गाइस कल मेरे अब्बू मूंगफली लाए थे, उसको भूंजे थे, तो उसी को बैठ के मेरे अब्बू खा रहे हैं, तो चलिए मैं भी एक दो खा लेती हूँ। गाइस मैं इधर चिकन को डाल दी हूँ भुजाने के लिए, और मेरे अम्मी अब्बू बोल रहे हैं चाय बनाने के लिए, तो मैं जा रही हूँ उन लोगों के लिए चाय बनाने के लिए। गाइस कल मेरे अब्बू बारिश में भीग गए थे, तो अब्बू का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया है, और मेरे अब्बू के सर में दर्द कर रहा है, तो मैं अब्बू के सर में झंडू बम लगा देती हूँ, मेरे अब्बू को थोड़ा सा आराम मिल जाएगा। और इधर सभी के सभी मूंगफली खाने के लिए बैठ गए हैं। गाइस चाय बन गया है, चलिए मेरी अम्मी अब्बू को दे देती हूँ गर्मा गर्म चाय। इधर मेरे अब्बू चिकन भूंज रहे हैं, और आलिया मेरे को बुलाने आई है। चलिए बबी अभी आग जलाए हैं, चलिए आग तपाने के लिए चलते हैं। तो चलिए गाइस आलिया के घर चलते हैं आग तपाने के लिए। गाइस अभी मेरे अब्बू को थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मेरे अब्बू बोले कि दे मैं सब्जी बना दे रहा हूँ। और इधर मेरी मामी क्या कर रही है चलिए देखते हैं। अच्छा टमाटर भूंज रही है टमाटर चटनी बनाने के लिए। तो गाइस मैं आग तपा के नानी घर से आ चुकी हूँ, अब चलिए मैं बिस्तर लगा लेती हूँ अपना। गाइस चिकन अच्छे से भुंजा गया, और इधर मेरे अबू मसाला डाल रहे हैं। मेरे को अभी चिकन के साथ रोटी खाने का मन कर रहा है, लेकिन गाइस अभी मैं चावल बना ली हूँ, और मेरे को रोटी बनाने का भी मन नहीं कर रहा है, बस खाने का मन कर रहा है। सो गाइस आज मैं स्कूल में बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, अब मैं जा रही हूँ खाना खा के डायरेक्ट सो जाऊँगी। चुके हैं अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए, और गाइस आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे को कमेंट में जरूर बताइएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय।